ये रखे मैंने iPad Mini 5 यहाँ पर, और ये रहा Poco XC Pro। और हेलो दोस्तों, ये है iPad Mini 5 मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं। iPad Mini 5 और Poco XC Pro से रिकॉर्ड हो रहा है, और आज अपन दोनों इन दोनों फोन का कंपेयर करने वाले हैं सिर्फ गेमिंग में। तो अपन ने इसमें दोनों में PUBG मोबाइल किया, डाउनलोड कर लिया है Poco XC Pro प्लस iPad Mini 5 में। दोनों कंपेयर करेंगे और देखेंगे भाई मैक्स ग्राफिक्स कहाँ तक जाती है दोनों फोन में। सॉरी, एक iPad है, एक मोबाइल फोन है, और अपडेट्स आए हुए यहाँ पर iPad Mini 5 में भी। तो क्या इसमें 90 FPS इनेबल हुआ या फिर Poco XC Pro में 90 FPS इनेबल हुआ या नहीं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लो, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं वनराज बाइट YouTube चैनल को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये रखे मैंने iPad Mini 5 यहाँ पर, और ये रहा Poco XC Pro, और दोनों को मैंने VPN से कनेक्ट कर दिया क्योंकि भाई कई बार ओपन ही नहीं होता है PUBG Mobile KR। तो भाई दोनों PUBG Mobile KR का टेस्ट करेंगे ओनली, क्योंकि कैमरे वगैरह टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि iPad में कोई कैमरा वगैरह क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। बैटरी का मैं बता दूंगा इसमें iPad में कैसा है, प्लस डिस्प्ले का बता दूंगा दोनों फोन में कि कौन सा डिस्प्ले अच्छा देखने को मिलेगा। वो वैसे भी आपको देख को पता चल ही जाएगा कि कौन सा डिस्प्ले अच्छा है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले अपन PUBG Mobile KR को ओपन करते हैं दोनों फोन में, ठीक है। तो दोनों को सेम वाईफाई से कनेक्ट कर लिया मैंने, देखो यहाँ पर सेम वाईफाई कनेक्टेड है, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देख। सॉरी, यहाँ पर ओपन हो जाए भाई, इसको ओपन करके रखते हैं, ठीक है। सेम वाईफाई कनेक्टेड है और भाई ये ओपन हो जाएगा अभी, एक सेकंड रुको। यहाँ पर अपन सेम वाईफाई कनेक्ट कर लिया है, उसको भी सेम वाईफाई कनेक्टेड है, देखो यहाँ पर नाम पढ़ सकते हो, कनेक्टेड हो जाए भाई, ठीक है। श्री गणेश नाम से वाईफाई का नेम है, इससे कनेक्ट हो गया ये, और ये भी देखो सेम नाम से कनेक्ट हो गया, सेम वाईफाई दोनों कनेक्ट हो गया, दोनों 100 Mbps है, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप ओपन करते हैं PUBG Mobile KR को। तो ये है PUBG Mobile KR 1, 2 and 3, ठीक है। इसमें दोनों में साथ में प्रेस हुआ था लेकिन थोड़ा लेट इसमें लिया, लेकिन देखते हैं ओपन किसमें पहले होता है, Poco XC Pro विन होगा या फिर iPad Mini 5, कमेंट में करो, जाके टाइप करो फटाफट से, और देखते हैं कि कौन सा पहले ओपन होता है। मुझे लगता है कि बूस्ट पहले Poco XC Pro लेगा, आई थिंक। इसको क्या आया पता नहीं, काटो इसको पहले फट से यहाँ से, और ये प्ले गेम से लॉग इन है, इसको करो भाई। ये बार बार क्यों मांग रहा है यार भाई, पता नहीं क्यों iOS में बार बार मांगता है, इसमें भी आया, इसमें थोड़ा लेट आया। चलो इससे कर लेते अपन एप्पल से, और बूस्ट दोनों में साथ में हो रहा। ओ भाई Poco XC Pro थोड़ा फास्ट हो गया, और भाई थोड़ा सा टाइम लिया इसने, थोड़ा सा लेकिन दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम टाइम में ओपन हुए हैं भाई, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा दोनों में। अभी अपन क्या करेंगे, इन दोनों जो डिवाइस है, अभी देखो मैं इनको इन्वाइट करता हूँ इसमें, वैसे कुछ देखो आप देख, आपको यकीन नहीं होता ना, ये देखो PUBG Mobile KR दोनों में है, ठीक है। PUBG Mobile KR दोनों में डाउनलोड है, तो यहाँ पर PUBG Mobile KR इसमें भी है, ग्लोबल नहीं है ये, दोनों PUBG Mobile KR है दोनों का, देखो यहाँ पर दोनों आ चुके हैं एक दूसरे में। और भाई यहाँ पर अपन डायरेक्ट टेस्ट करेंगे क्या इसका जो सेटिंग्स है, ग्राफिक्स में जाएंगे, सेटिंग में गया, और इसका जो सेटिंग है उसमें मैक्स ग्राफिक्स चेक करेंगे दोनों में क्या चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं Poco XC Pro में जाता हूँ, स्मूथ और एक्सट्रीम इसमें भी चल रहा है, स्मूथ एक्सट्रीम इसमें भी चल रहा है Poco में भी। अब चेक करेंगे बैलेंस पे एक्सट्रीम iPad Mini 5 भी सपोर्ट कर रहा है, और अपना Poco XC Pro बैलेंस पे एक्सट्रीम सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो सपोर्ट कर रहा है दोनों 60 FPS पे। उसके बाद में HD पे जाते हैं, HD पे जाने के बाद ये अल्ट्रा हो जा रहा है, मतलब 40 FPS हो जा रहा है। उसके बाद में इसको HD पे करता हूँ मैं Poco XC Pro को, तो यहाँ पर एक्सट्रीम ही चल रहा है, और इसको HDR पे भी करने पे वही चलेगा, HDR पे करते हुए भी एक्सट्रीम, मतलब कि HDR ग्राफिक्स पे आप Poco XC Pro में 60 FPS खेल सकते हो। वही बात करें 90 FPS दोनों डिवाइस पे, भाई दोनों डिवाइस में 90 FPS नहीं है, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का सपोर्ट दोनों में मिलता है, और यहाँ पर 90 FPS सपोर्ट दोनों में फोन में नहीं देखने को मिलता है। तो भाई यहाँ पर 90 FPS पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। iPad Mini 5 में मैं लिख के दे सकता हूँ भाई कि नहीं आने वाला है, क्योंकि इसका डिस्प्ले सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन भाई ये सपोर्ट करता है, 120 Hz का डिस्प्ले है, भाई ये सपोर्ट करता है Poco XC Pro 90 FPS। तो भाई शायद इसमें आ जाए आने वाली अपडेट्स में, तो देखते हैं कब तक आ रहा है। ये हो गई ग्राफिक्स की बात, तो ग्राफिक्स के मामले में भाई Poco XC Pro जीत जाता है, ठीक है। अब यही बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, भाई डिस्प्ले देख सकते हो, डिस्प्ले का साइज आप ये Poco XC Pro में रख दिया यहाँ पर सेम साइज पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इतना गैप बचा हुआ भाई, एक गेम और एक फोन और आ जाएगा, इतना गैप बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई समझ सकते हो भाई जो iPad Mini 5 है उसका साइज कितना बड़ा है, भाई यहाँ पर साइज के मामले में भाई ये बेस्ट है। और भाई और क्यों बेस्ट है iPad Mini 5 वो भी बताऊंगा इसके बारे में, और Poco XC Pro का साइज जो किसको लेना चाहिए, Poco XC Pro और iPad Mini 5 किसको लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट रहता है भाई कमेंट करके पूछ लिया करो आप लोग, और जो लोग नए भाई लाइक कर दो, अभी तक यहाँ तक जो दो देख रहे हैं भाई लाइक कर दो, ठीक है। अब डायरेक्ट बात करते हैं अपन इसके जो मेन टॉपिक है कि इसका डिस्प्ले की, डिस्प्ले का मैंने बता दिया साइज इसका बड़ा है और क्वालिटी किसकी अच्छी है। भाई मैं अभी बोलूँगा कि iPad Mini 5 की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी, और भाई Poco XC Pro की ऐसे नहीं बहुत बेकार है, इसकी भी अच्छी है, लेकिन भाई आप देख सकते हो क्लियरिटी Poco XC Pro से ज़्यादा iPad Mini 5 में इतना क्लियर व्यू देखने को मिलता है, और बस व्यू वगैरह भी देखो मस्त, इसमें देखो और इसमें देखो। तो भाई iPad Mini 5 भाई बेस्ट है अभी भी, और भाई ये 35,000 का आता है और ये 20,000 का, समझ सकते हो 12,000 का अंतर है 15,000 का। तो भाई यहाँ पर दो फोन आ जाएंगे आप Poco XC Pro लेना चाहे, लेकिन फिर भी मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दोनों कंपेयर किया करो, ठीक है।
तो ये हो गया अपना ग्राफिक्स का। ग्राफिक्स के होने के बाद में अपन आपको मैं बता दूं व्यूइंग एंगल, जो व्यू होता है ना इसमें अपन ने 90 कर दिया है। देखो अभी जो नया फीचर आया है 90 करने वाला, जिसमें अपन ये देखो 90 कर दिया थर्ड पर्सन वाला कैमरा, और भाई 90 कर दिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर अपन चेक करते दोनों फ़ोन में कि व्यूइंग एंगल कितना है, तो ट्रेनिंग ग्राउंड में चल के चेक करते हैं। ठीक है, ये ट्रेनिंग ग्राउंड, ट्रेनिंग पे क्लिक किया, ओके इसमें भी ट्रेनिंग कर देता हूँ। और ट्रेनिंग ग्राउंड पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन से ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, कौन से फ़ोन में, इसमें या इसमें। इसमें 90 FPS, जो 90 FPS बोल रहा हूँ मैं भी, जो 90 वाला फीचर है ना उसमें बेस्ट दिख रहा है या इसमें दिख रहा है। ठीक है, ये पहुँच गया ट्रेनिंग के अंदर। और iPad mini 5 में तो भाई बहुत फास्ट लोडिंग हो जाता है, इसमें पता नहीं क्यों लोडिंग नहीं होता, बहुत देर तक लोडिंग ही नहीं होता BGMI बोल रहा पबजी मोबाइल में, पता नहीं क्यों। ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने के लिए iPad mini 5 में पहले ही लोडिंग हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या है इसमें। और मैं यहाँ से गन वगैरह एक गन ले लेता हूँ कोई भी, वैसे गन वगैरह कोई काम की तो नहीं, एक गन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ खड़ा हो जाता हूँ सिंपल सा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें भी एक गन ले लेते हैं अपन, ओके ये रही गन। ठीक है, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और ये क्रॉस एयर को मैं ये वाले ये इस जगह पे खड़े होते हैं सेम। ठीक है, इसमें यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ और क्रॉस एयर को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और इसमें भी यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, क्रॉस एयर को यहाँ रखते हैं, सेम खड़े दोनों। ठीक है, क्रॉस एयर सेम जगह है गाइस। अब डिफरेंस देखो आप लोग, ठीक है, यहाँ से ऊपर का कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसमें देखो पूरा व्यू दिख रहा है ऊपर का, समझ रहे हो, पूरा व्यू दिख रहा है ऊपर का। प्लस आप लैपटॉप में देख सकते हो पूरा व्यू दिख रहा है, इसमें कुछ भी व्यू नहीं दिख रहा है, यहाँ तक ही व्यू दिख रहा है। और जो दूर की क्लियर चीज़ें हैं ना वो इसमें दिख रही है iPad mini 5 में, क्योंकि इस पर डिस्प्ले बहुत बड़ा है और भाई बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। तो भाई यहाँ पर अगर कोई सिर्फ और सिर्फ अपना जो गेमिंग करना चाहिए लेना चाहते हैं, गेमिंग ओनली गेमिंग, उसको कोई मतलब नहीं कॉम्पिटिटिव वगैरह से कोई चीज़ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्ती करना चाहता है फुल और रैंक पुश वगैरह करना चाहते हैं भाई iPad mini 5 ले लो। और कोई रैंक पुश करना चाहते हो प्लस कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो भाई iPad mini 5 बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें लूमा फ्यूजन नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, ऐप आता है, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। भाई लूमा फ्यूजन 2600 रुपये कुछ का आता है, लेकिन उसको कोई ट्रिक्स वगैरह से बहुत लोग यूज़ कर लेते हैं, मैंने यूट्यूब वगैरह देखा था, लेकिन आप परचेज करना था परचेज भी कर सकते हो। तो भाई iPad mini 5 में यही खासियत है कि इसमें रिकॉर्डिंग भी करते समय लैग देखने को नहीं मिलता अपने को कुछ भी, हल्का हल्का लैग होता है यहाँ पर हल्का हल्का लैग होता है। देखो अभी भी गर्म हो रहा है थोड़ा, तो लैग होता है, सॉरी लैग बोल रहा हूँ मैं, गर्म होता है हल्का हल्का, तो यहाँ पर तो लैग तो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ गर्म होता है। तो रिकॉर्डिंग इसमें 4K बहुत मस्त क्वालिटी हो जाती है। वहीं बात करें पोको X3 प्रो की, ठीक है, इसका व्यू एंगल तो आप देख लिया। ठीक है, बात करें पोको X3 प्रो में भाई इसमें क्या प्रॉब्लम होने वाली पता है, हल्का सा इस कैमरे के ऊपर गर्म होता है जब आप रिकॉर्डिंग करते हो, तो पता नहीं क्यों कई बार ऐसा लगता है बहुत गर्म हो गया, फूट जाएगा ये, भाई मुझे डर ही लगता है कि हाथ में ना फूट जाए, क्योंकि कोई फ़ोन का भरोसा नहीं कब कहाँ से फूट जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। और भाई बाकी सब कुछ ठीक है, डिस्प्ले का 120Hz का है, तो इसमें 90 FPS आ सकता है फ्यूचर में, लेकिन पोको X3 Pro में 90 FPS कभी नहीं आने वाला अब, क्योंकि इसमें जो इसका डिस्प्ले का क्वालिटी है वो उतना सपोर्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 90 FPS का चांस है वो है पोको X3 Pro में। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 90 FPS कैसे इनेबल करें पोको X3 Pro, उसका वीडियो बनाऊँ, तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना मुझे। ठीक है, तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा आप सभी लोगों के लिए। और अभी अपन देखो, मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ कि सिंपल सी बात बता दूँ फाइनल, कि भाई अगर आप कैमरे के लिए लेना चाहते हो भाई पोको X3 Pro, और कैमरे प्लस गेमिंग के लिए लेना चाहते हो भाई पोको X3 Pro ले लेना, लेकिन आप सिर्फ गेमिंग के लिए प्लस एडिटिंग वगैरह के लिए या फिर कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूब पे अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो भाई आप पोको X3 Pro मत लेना, iPad mini 5 ले लेना अभी बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 35,000 का बजट है तो। लेकिन भाई 20,000 के अंदर में बजट है फिर भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो भाई पोको X3 Pro बेस्ट रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना कौन सा है आपके बजट के हिसाब से। अगर आपके पास 35,000 है तो भाई पोको X3 Pro बिल्कुल भी मत लेना, iPad mini 5 बेस्ट है। और भाई कोई ऑफर में ये 33,000 रुपये में मिल जाता है पोको iPad mini 5। और भाई आपको कोई भी डाउट हो ना कमेंट करके पूछना। अभी डायरेक्ट अपन अगले वाले वीडियो मिलते हैं, और बोलो कि भाई आपको अगर 90 FPS वाला वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं 90 FPS वाला वीडियो जरूर बना दूंगा आप लोगों के लिए। और पबजी मोबाइल की यार आपके पास iOS है, पबजी मोबाइल की यार खेलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, 1.1.VPN डाउनलोड कर लो और मस्त लॉगिन करो, फिर उसके बाद में VPN बंद कर दो। और ये रहा वो सॉफ्टवेयर जिसको मैं बता रहा था लूमा फ्यूजन, और स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर भी है इसमें, तो भाई स्ट्रीम भी कर सकते हैं इसमें भाई, समझ रहा हो, स्ट्रीम भी कर सकते हो अपने iPad mini 5 से। तो भाई स्ट्रीम भी बहुत प्रोफेशनल तरीके से 60 FPS हो जाती है, और यहाँ पे लूमा फ्यूजन का भी ऑप्शन दिया है, तो भाई लूमा फ्यूजन से बहुत अच्छी एडिटिंग होती है। तो भाई पोको X3 Pro और iPad mini 5 आपको जो पसंद आए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों कंप्यूटर तो आपने देख लिया, और iPad mini 5 भाई बीस्ट है ये तो पता ही आपको, लेकिन पोको X3 Pro भी कम नहीं है। तो भाई दोनों का कंपेयर आपने देख लिया, कमेंट करके जरूर बताना भाई कौन सा आपको फोन अच्छा लगा, iPad अच्छा लगा, या फिर आप कौन सा लेना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है, पोको X3 Pro लेना है या फिर एक iPad mini 5 या फिर iPad 6 जो आने वाला है शायद कुछ महीनों में आ जाएगा वो लेना है, कमेंट करके जरूर बताना। और कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में पूछना, मैं आंसर जरूर दूंगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।